अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं बहन निर्मला सीतारमन जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ब्रीफकेस की संस्कृति को तोड़कर अपनी भारत की संस्कृति लाल कपड़े में मौली बांधकर बजट पेश किया। ये पूरे भारतवर्ष के लिए सम्मान की बात है। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि इस रेल बजट में सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं कि रांची रेलवे स्टेशन को जो राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और रेल मंत्री जी, परसों आप रांची आ रहे हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। तीसरा कि इस वर्ष देश बापू की 150वीं जयंती मना रहा है और 150वीं जयंती में जहां बापू ने थर्ड क्लास में हमेशा सफर किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तीसरा दर्जा ही खत्म कर दिया। तो मेरा प्रस्ताव है कि इस 150वीं जयंती वर्ष में एक बापू बोगी भी लगाई जाए ताकि 150वीं वर्ष जयंती में हम उनका सम्मान कर पाए। अध्यक्ष जी, मैं पीयूष गोयल जी का, सुरेश जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने यह अक्टूबर से ट्रेन में आसानी से सीट मिलेगी, ये योजना इन्होंने तैयार की है कि 4 लाख सीट जो रिजर्वेशन होता है वो अतिरिक्त मिलेगा। ये सब हो सकेगा नई तकनीक अपनाने से। इस नई तकनीक के जरिए ट्रेन में ओवरहेड तार से जो बिजली सप्लाई की जाएगी और जनरेटर कोच की जगह स्लीपर कोच लगेगा, ये अभूतपूर्व काम है। रेल विभाग को, रेल मंत्री को बहुत बहुत साधुवाद। अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि चौकीदार होता है और जनता मालिक होती है, और उस चौकीदार की हैसियत से झारखंड की जनता ने जब चौकीदार बनाया तो उनके चेहरे पे हंसी आए, उनके होठ हंस पड़े, उनके परेशानियों का निदान हो, उनको और सुविधा मिले। तो मैं उस मालिक के हक के लिए मैं मांगना चाहता हूं कि 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू झारखंड देता है हर साल, 25,000 करोड़ का। लेकिन हमारे यहां जोनल ऑफिस नहीं, हम कलकत्ता गार्डन रिच के सहारे रहते हैं। तो मेरा सबसे पहला, मंत्री जी, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी, बहुत वर्षों से हमारी डिमांड रही है, अटल जी के आशीर्वाद से अलग प्रांत बना, अलग प्रांत बनने के बाद दोनों प्रांतों में जोनल ऑफिस बन गया, हमारे यहां नहीं बना, तो जल्दी से जल्दी जोनल ऑफिस बने। मैं अध्यक्ष जी बताना चाहता हूं, अटल जी ने सन 2000 में रांची लोहरदगा टोरी होते हुए एक रेलवे लाइन का शिलान्यास किया था। काम बड़ा, लेकिन उसके बाद जब यूपीए की सरकार आई 10 साल एक इंच भी काम नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी की सरकार में लोहरदगा टोरी लाइन का काम पूरा हो गया, विद्युतीकरण हो गया, राजधानी चल पड़ी। अब जरूरत इस बात की है कि अगर से उधर से रांची लोहरदगा टोरी होते हुए दिल्ली की ट्रेन चले, राजधानी एक्सप्रेस, कम से कम 3 से 4 घंटे कम पड़ेंगे, तो जल्दी से जल्दी राजधानी एक्सप्रेस उधर से चलाई जाए। अध्यक्ष जी, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि एक और कोल इंडिया से इन्होंने एक काम किया है कि जो कोल इंडिया की जो माइनिंग होती है और माइनिंग से जो वहां गड्ढा हो जाता है, बरसात का पानी उसमें जमा हो जाता है, और उस बरसात के पानी से 2036 लाख क्यूस वाटर, मिनरल वाटर वो पैदा करेंगे। जल्दी से जल्दी उस काम शुरू हो जाए ताकि वर्ष जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चाह थी कि जो वर्षा का पानी सिर्फ 8% ही हम संचय कर पाते हैं, और अगर उसको उपयोग कर लें तो इतना बड़ा पानी का स्टॉक, मिनरल वाटर हम दे सकते हैं देश की जनता को। मैं बताना चाहता हूं कि अटल जी की एक और देन थी, ये रांची से नामकुम टाटी सिल्वे होती एक ट्रेन सन की, ये वहां इंजीनियरिंग कॉलेज है। अध्यक्ष जी, अगर वो ट्रेन रांची से हटिया, रांची से टाटी सिल्वे चले, तो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र और रूरल जो जनता है
और रांची से बहुत जल्दी जुड़ जाएगी। ट्रेन लाइन बन के तैयार है, उस पर टेस्टिंग भी हो गई है, जल्दी से जल्दी उस पर चलाया जाए। अध्यक्ष जी, एक मेरी और डिमांड है कि रांची राजधानी, औद्योगिक नगरी जमशेदपुर, इस दोनों के बीच में एक शटल ट्रेन चलाई जाए और उस शटल ट्रेन का नाम जोहार एक्सप्रेस रखा जाए। हजारों हजार लोग रोजाना रांची से जमशेदपुर, जमशेदपुर से रांची आते हैं। अध्यक्ष जी, मेरा एक और आग्रह है कि रांची और हटिया दो शहर में दो स्टेशन हैं, लेकिन उनमें कुली की संख्या सिर्फ 28 है। हम रोजगार देना चाहते हैं लेकिन कुली की संख्या 28। हम तो चाहते हैं कि ज्यादा संख्या में वहां कुली की संख्या बढ़ाई जाए। और जैसे एयरपोर्ट में ट्रॉली रखी जाती है, रेलवे डिपार्टमेंट उन कुली भैया लोग को ट्रॉली दी जाए ताकि उनको रोजगार भी मिले और यात्रियों को परेशानी भी नहीं हो। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार रघुवर दास जी की सरकार ने वहां पर बहुत सी डिमांड रखी है यहाँ रेलवे डिपार्टमेंट में, तो मेरी मांग है कि पुरी से नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को जोधपुर तक विस्तारित किया जाए, रांची से लखनऊ होते हुए देहरादून तक की ट्रेन चलाई जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश से देवघर के लिए सीधी रेल सेवा प्रारंभ हो और संथाल परगना, जो हमारा सुदूर आदिवासी संथाली लोग हैं, वहां रेलवे स्टेशन पर आम सूचना की उद्घोषणा हिंदी के साथ संथाली भाषा एवं आलोचकी लिपि में रेलवे स्टेशन का नाम और सूचना कराई जाए। इससे वहां जो संथाली लोग हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। अध्यक्ष जी, मैं बोलना चाहता हूं कि रांची से मुंबई जो LTT सुपर एक्सप्रेस है उसको रोजाना चलाया जाए ताकि जो मुंबई तक के यात्री हैं उनको सुविधा हो, और रांची में एक मेट्रो ट्रेन भी चलाई जाए ताकि जो झारखंड, जो अलग प्रदेश अटल जी के आशीर्वाद से बना, उस प्रदेश में भी आधुनिकीकरण हो जाए।